अभी तक मेहंदी धोई नहीं है तो दिखाओ कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं धोई। मैंने कहा शाम तक कुछ घर का काम करूंगी ना जी जी, फिर ये उतर जाएगी। मैंने कहा कल तक रहने दूंगी क्योंकि कल सोनिया का निकाह है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना विलेज व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आंटी और मैं तो बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आज सुबह सुबह तो इसे लड़ाई करके गई हूँ, लेकिन बात मान ली है, कपड़े सिलाई कर लिए क्योंकि मेहंदी वाले आने वाले, तो मैंने कहा मुझे देर हो रही है, मैंने तैयारी भी करनी है और भैया की भी तैयारी करनी है, तो मेहंदी भी लगा दी है जी माशाल्लाह से। तो अभी जो है ना इन्होंने कपड़े भी सिलाई कर दिए, अभी इस्त्री हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको कपड़े भी दिखाती हूँ और आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आज आंटी और मैं एक साथ मिलके मेहंदी की तैयारी करने वाले हैं। कैसे आंटी? और जो भी मेरे बहन भाई मुझे देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ और आंटी का मैंने कौन सा सूट सिलाई किया है, तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये देखे व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे ये मुझे दे दो, मैं तो कह रही हूँ कि ये मुझे दे दो, मेरा नहीं है। तो ये देखे ये मैंने आंटी का सूट सिलाई किया है, ये मैंने अभी अभी किया है, सिर्फ मुझे आधा घंटा हुआ है। ये कपड़े भी मैंने आंटी की सिलाई किया और मेहंदी भी लगाई है। वैसे तो आंटी झगड़ा करके गई थी, ये झगड़ा करके और भी मेरे पास कपड़े थे ना, लेकिन मेरा भी कसूर है, मैं और कपड़े सीने लग गई थी लेकिन ये वाला सूट नहीं सिलाई किया मैंने, तो किसी और के कपड़े सिलाई करने लग गई थी। ये भी तकरीबन 8 दिन हो गया आंटी ने मुझे दिया था, 8 दिन पहले जी जी, तो मेरा भी कसूर है। तो अब तो मैंने इसको सिलाई कर दिया है ना, अभी मैंने जाना है क्योंकि मैंने अपनी वीडियो भी बनानी है जी, जो मैंने सूट पहनना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आज मेहंदी किसकी है ये तो बताओ? मेहंदी मेरे साथ वो हमजा है ना, उसकी सिस्टर की है जी। ये मम्मी भी बुलाया और मेरी दोस्तों को ये और आंटी की बेटी जैसी हो गई, भांजी हो गई, भांजी हो गई। और सोनिया भी कभी निकाह है लेकिन मुझे सोनिया भी ने नहीं बुलाया, पता नहीं उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो पता बुला लेगी, कल है ना उसका, कल है निकाह, लेकिन उसने मुझे अभी नहीं बुलाया। वैसे दुख भी हो रहा है क्योंकि मैं भी उसकी दोस्त हूँ ना, फ्रेंड हूँ ना। तो ये देखे मेरा सूट देखो आंटी, बताओ कैसा है मेरा सूट? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, मैं तो कह रही थी कि शादी पर पहनना है, आपको बहुत सूट करे, मेरा भी काला सूट है जी। आंटी का भी काला ब्लैक फ्रॉक है और आंटी मुझे कह रही है कि ये वाला सूट ना आप आज ना पहनो, तो ये शादी वाले दिन ही पहन लेना, लेकिन आंटी मेरे पास और नहीं है ना, ये भी किसी से लेकर आई हूँ। चलो ठीक है फिर, मेरा ले लो पहन लो। वैसे देखा जाए मैंने भी सिर्फ 2 सूट लिया है जी, आंटी ने भी सिर्फ 2 सूट लिए। वैसे आंटी इतनी मेरी सपोर्ट करती है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर ये देखे इनका इतना दिल अच्छा है, इतना बड़ा है, ये कह रही है कि मेरा सूट आप खुद ही पहन लो। वैसे मैं इसको कह रही थी वीडियो से पहले, मैं से कह रही थी कि ये मुझे दे दो, मैं इनके साथ कोई फर्क नहीं करती, ये बिल्कुल हम एक ही घर में जैसे रहते हैं ना, हमारा ऐसे इखलाक है, बहुत अच्छा हमारा इखलाक है। मैं कोई किसी चीज की जरूरत होना मैं दे देती हूं पैसों की, और जी जी हम एक दूसरे को उधार भी पैसे, ये आंटी मुझे देती रहती है क्योंकि कपड़े भी सिलाई करती हूँ ना, तो वैसे भी सिलाई भी देती है साथ में मुझे उधार। जितनी सिलाई मुझे मांग लेना है मैं अभी से ये निकाल के काम में आ जाता है। मैंने कहा आप भी, आपकी भी सपोर्ट हो रही है, आप भी गरीब है तो जी माशाल्लाह, आपका चैनल भी नहीं ग्रो किया तो माशाल्लाह जितने आप मांगेगी मैं उतने दे दूंगी जी। वैसे चैनल में मेरी आप भी मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और ऐसे भी मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, मैं तो कह रही हूं आप चैनल का आप भी सपोर्ट करें, ज्यादा चैनल आगे जा सके क्योंकि इसके व्यूज कम आ रहे हैं जी जी, बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। ये देखे तो ये अभी तक मेहंदी धोई नहीं है तो दिखाओ कि मैंने मेहंदी धोई। मैंने कहा शाम तक कुछ घर का काम करूंगी ना जी जी, फिर ये उतर जाएगी। मैंने कहा कल तक रहने दूंगी क्योंकि कल सोनिया का निकाह है ना जी, तो मैंने तो नेट पे डिजाइन देखा था, मैं तो सोच रही थी कि आंटी का बहुत अच्छा सा प्यारा सा डिजाइन बनाऊंगी, लेकिन मुझे इतना बनाना आया है तो मैंने इतना सा बना दिया है। लेकिन मेरे दिमाग पहले जब स्कूल जाती थी ना, जब छोटी थी तब बहुत प्यारे प्यारे बना लेती थी, अब मेरे दिमाग में भी निकल गया कि कैसे डिजाइन बनाओ, और मैंने अपने हाथों भी बनाने लगे, टाइम नहीं है अभी, बस कितनी देर में मंगनी है मेहंदी वाले आने वाले, 3 बजे आ जाएंगे, टाइम कितना है? 1 बज गए, बस 2 घंटे रहते हैं। मैंने अपने बच्चों की भी तैयारी करवानी है, तो जब तैयारी करूंगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जरूर करूंगी, शेयर जरूर करूंगी। मैं अपने घर जाती हूँ तैयारी करती हूँ, ये अपने घर तैयारी करेगी। ये आंटी ने बाल भी बनाए हुए माशाल्लाह, ये बाल भी बनाए हैं, तो हमजा की छोटी सिस्टर है उन्होंने मुझे मेरे
दुल्हन की जो छोटी सिस्टर है ना वो भी मेरी दोस्त है, दो बहने है और उसके दो भाई है। और मैं जो तैयारी करूंगी बच्चों को तैयार करवाऊंगी, अगर वहाँ पे वो ना बोलेंगे कि वहाँ पे जाएंगे हम दोनों ही जाएंगे, अगर वो बोलेंगे तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, अगर वो बनाने देंगे तो, वरना हम यहीं पे घर जो तैयारी करेंगे ना वीडियो। वैसे वो वीडियो में नहीं बनाते ना इसलिए, तो मैं तो बनाती हूँ वहाँ पर जी। वो मैं तो उसकी दोस्त हूँ लेकिन ये उसकी आंटी है ना, आप भी है तो इसलिए इसे बना देते हैं। वो नहीं रोकते नहीं है, वो पता है क्या मसला हो गया उनकी और तैयारी ना जी जी लगा भी नहीं होगी बाहर उनकी छोटा सा घर है ना, तो बैग वाले भी वो आए रहे ना बनाने के लिए जी, तो वो पकड़ेंगे तो इसी वजह से मर्द बाहर बाहर मर्द अंदर होते जाना है, तो और जो औरतें अक्सर हमारे जो वीडियो में नहीं आती जी जी, तो हमारी जगह नहीं है वहाँ बनाने के लिए, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं वहाँ का थंबनेल लगाऊं या यहाँ का लगाऊं, वहाँ जाकर बनाऊं या यहाँ जाकर बनाऊं, तो अभी मैं इसीलिए तो कह रही हूँ उनको आने के देर है, तो मुझे मैं जाऊँ। तो वैसे देखा जाए ना माशाल्लाह आंटी बहुत अच्छी है, इसे तो देर हो रही थी क्योंकि ये साथ में उसकी हेल्प करवाती है ना, उनकी दोनों की यही हेल्प करवाती है, तो इसके पास टाइम नहीं था, तो मैंने बोला नहीं आप भी पहले मेरे साथ ना वीडियो बनवा लो फिर आप चले जाना, तो इसने ये इनकार नहीं किया। जब भी मैं इसे बुलाती हूँ ना ये चुप करके आ जाती है, इसका दिल इतना बड़ा है, तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ये मेरे लिए तो फरिश्ता है जैसे ही। नहीं अल्लाह ताला आपकी जरूर सुनेगा, अल्लाह ताला पर आप भरोसा रखे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ ना, मैं वो अल्लाह ताला सपोर्ट देने वाला है बंदे स्वभाव की, जो व्यूअर देखने वाले वो सपोर्ट करेंगे आपकी, तो आप उनसे मांगे, मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ, आप अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आपकी जरूर सुनेगा जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर सुनेगा। तो अभी मेरे साथ में दर्द हो रहा है, आपको पता है ना जिससे मैं दूध लेती हूँ ना साथ जो हमसाय है, तो उनसे जो दूध लेती हूँ ना दूध भी नहीं दिया। अच्छा, तो अभी मुझे चाय पीने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मुझे चाय पिला दो मैं घर जा। अच्छा ठीक है, मैं आंटी के लिए जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ, तो चाय बनाने में भी आपसे शेयर कर लेती हूँ, तो चूल्हे पे ना लकड़ी के साथ आग जलाओगी ना देर हो जाएगी, तो सिलेंडर पड़ा हुआ है सिलेंडर भी चाय बना देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टूटा फूटा सिलेंडर, तो ये देखिए इसकी आंद्रे जो है ना बाहर निकली हुई है, ये तार जो है ना बाहर निकली है, तो मैं इसको भी अच्छी तरह कस लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलेंडर को बना दिया है, अब चाय बनानी शुरू करती हूँ। मेरा तो ब्लैक है, इसका पता नहीं कौन होगा, इसका कलर कौन सा है, इसका पीला है, वो अभी इसका बोले कर रहा है कि मेरी बेटी जो है ना। अच्छा, मेरा ब्लैक है और हुरिया का और उसकी मम्मी का पीला है, तो बात कैसे, तो काफी सारे और भी फराक पड़े हुए लेकिन वो रंग के कलर के है ना। अच्छा, मेहंदी पर जो है ना पीला सूट सोहना लगता है, सोहना लगता है, खूबसूरत लगता है। जल्दी में डिब्बे में चीनी और पत्ती भी नहीं डाली, तो ये देखिए बढ़िया कह रही है कि चीनी चाय दो, चीनी थोड़ी सी कम डालना। अच्छा ठीक जी अम्मा, चाय दो चाय, मैं आपकी अम्मा हूँ, इसी किसी प्याले में आप देती है ना चाय से। जी जी इसी प्याले में, ये ना मेरे अप्पू ने मुझे लेके दिया था जो मेरा फोत हो गया ना, तो चाय तो हो गई तैयार, अभी मुझे प्याले में दो जल्दी स्पीकर में कर जाओ, ऐसे तो कप में पीती हो। नहीं मुझे आज प्याले में दो, क्यों देर हो रही है, वैसे हम देसी लोग हैं ना तो इसीलिए प्याले में पीते रहते हैं, कैसे बस तेरी काफी है। टेस्ट करके बताओ कैसे बनी है, जल्दी में बनाई है ना, तो हुरिया को इस प्याले में दूंगी, वैसे भी हुरिया तो आंटी को मेरी चाय पसंद आ रही है ना जी, इधर आओ, आ जाओ उरिया, आओ मैं आपको सिखा पीने के लिए, मैंने सिखाया है इसको चाय पिलाना, आओ आओ, ये क्या करूं इसका क्या करूं, हैं पिलाऊं, ये गरम है, फूको तो इसमें, इसको ठारो, फूको ठारो
फूका दो फूका दो। अस्सलाम वालेकुम पहले बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो पहले, वो देखो वो देखो वो देखो, अस्सलाम वालेकुम करो फिर, अस्सलाम वालेकुम करो फिर, अस्सलाम वालेकुम करो, आप करो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो ये अब नहीं कर रही है, गुस्सा है मुझसे।